अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मनीला फिलिपाइन में। यहाँ पे मुझे 6 दिन हो गए, आज माशाल्लाह से आखिरी दिन है। यहाँ से रवानगी है, सबसे पहले करेंगे ये नाश्ता, उसके बाद बाहर जाएंगे, सिटी टूर करेंगे, क्योंकि रात को 11:30 बजे मेरी फ्लाइट है यहाँ से दुबई के लिए। तो अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, 12 बजे दिन को ये कमरा खाली करना है, चेकआउट करना है, उसके बाद जो है तकरीबन मेरे पास 11 घंटे हैं, क्योंकि 6-7 घंटे काफ़ी हैं सिटी टूर के लिए। साथ रहिएगा, मेहरबानी। नाश्ता मैंने कर लिया माशाल्लाह। अब यह है कि 12 बजे कमरा करना होता है खाली, तो मैंने इनसे कहा कि आप मुझे मज़ीद 1 घंटा दें, मैं 1 बजे खाली करूँगा। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो चलते हैं अपने रूम में, 1 बजे कमरा खाली करेंगे। ये 1 घंटा इजाफी मिल गया, तो सामान वगैरह आराम से पैक करने में सही हो गया, ज़बरदस्त। तो दोस्तों, वक्त आ गया है एड्रियाटिको स्वीट अपार्टमेंट से चेकआउट करने का। ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त शानदार था, ये अपना अंदर था कमरा था, और ये पूरा इलाका समझे के पूरा अपार्टमेंट। ये देखें, इस तरफ किचन था, ये पानी का इंतज़ाम, ठंडा गर्म पानी, ये अपना कुकर वगैरह, चाय की किटली, ये ओवन वगैरह, ऊपर केबिन में प्लेटें वगैरह थी, उस तरफ सोफ़े वगैरह। और अल्लाह आपका भला करे, यहाँ बैठ के आप खाना खाएं, उसके बाद ये अंदर अपना ज़बरदस्त सा बड़ा सा बेड माशाल्लाह, ये एसी लगा हुआ था, इस तरफ अटैच बाथ, और ये सामने टेबल था, ये टीवी, ये कबर्ड वगैरह। ये तकरीबन पर नाइट मुझे पड़ा था पाकिस्तानी 10 से 11 हज़ार रुपये में। तो 6 दिन ज़बरदस्त गुजरे। अब निकलते हैं यहाँ से, सामान बस यही है मेरा, थोड़ा सा बस ये 4-5-6 किलो है, ये अपना इसमें थोड़ा पानी है और खाने का सामान रखा है, इसलिए ज़रा ज़्यादा लग रहा है, वो इस्तेमाल करूँगा तो ये फिर कम हो जाएगा। तो अभी निकलते हैं बाहर, इनको चाबी देनी है, क्योंकि 12 बजे का चेकआउट था, मगर इसने मेहरबानी की थी कि भाई 1 बजे आप ठीक है खाली कर दें। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं। ये सामान मैंने इस स्टोर में यहाँ पे ये रख लिया, अब निकलते हैं बाहर। ज़बरदस्त अपना था अपार्टमेंट, ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ही मज़ा आया। अब निकलते हैं आस्ते आस्ते बाहर। अब जो है इस अपना मस्जिद के बिल्कुल करीब पहुँच गया हूँ, वज़ू मैंने अपना होटल से ही किया था, तो नमाज ज़ुहर जमात तो हो चुकी होगी, मगर अपनी पढ़े यहाँ पे, उसके बाद नमाज ज़ुहर के बाद जाएंगे आगे इंशाल्लाह। लो जी, इस रक्षा वाले से 100 पे 100 माना पाकिस्तानी 500 में बातें हुई है। अभी चलते हैं नेशनल म्यूजियम। लो जी, पहुंच गए नेशनल म्यूजियम। ये रहा सामने, म्यूजियम में अंदर दाखिल हो गए हैं। ये देखे मुजस्मा डॉक्टर जूसी रिजाल का, इसके नाम से यहाँ पे एक बड़ा पार्क है, पिछली वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। बहरहाल ये हम पहुँच गए हैं अंदर म्यूज़ियम में, और रश जो है वो इस वजह से है कि यहाँ पे उस स्कूल के बच्चे बच्चियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप आया है।
अब जो है इन्हें उस स्कूल के बच्चे और बच्चियों की वजह से इतना रश हो गया है कि मैं तो सोचता हूँ कि कुछ टाइम के लिए इंतज़ार करूँ। ये देखें ना, ऊपर तक जाना है, हालांकि लिफ्ट भी है, तो उसी तरह बच्चे अपना शौक पूरा कर लें उसके बाद जाएंगे अंदर। ये इस लिफ्ट के ज़रिए आ गया ऊपर, और ये नीचे का मंज़र ये देखें। अब ये देखें ना, जहाँ मैं जा रहा हूँ ये पूरी पलटून फौज जो है बच्चों की वहीं पर जा रही है। जैसे मैं भी इनके साथ ही आया हूँ ना, पूरा मज़ा कर करा कर दिया है लोगों ने। ये मैं तो कहूँगा कि कम से कम भी ये 500-600 से ज़्यादा हैं, 1000 के लगभग हैं। ये हाथी का दांत है, ये देखें। बहुत 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 ये बच्चे जो हैं ना, मन के अच्छे बच्चे, मन के अच्छे ये सिर्फ निकले बाहर। ये पता नहीं किस जानवर का है, वो बहुत ही बड़ा है। ये देखें ना, आगे नाम लिखा होगा। ये जो आपने दांत देखे, बड़ा सा मुंह, ये समुद्री बला का था। ये देखे ना इस तरह। बहरहाल इस पोर्शन में तकरीबन समुद्री मखलूकात के बने हुए हैं। अब जाके शोर कम हुआ, शुक्र है बच्चे चले गए नीचे। अब आराम से हर एक पोर्शन को देखूंगा। अब ये देखें, यहाँ पे बैठने का इंतज़ाम है, आप बैठ के इसको खोलें, और ये समंदर के जो भी हैं नायाब चीज़ें, पत्थर होते हैं या जो कीड़े होते हैं समंदर के, मछलियाँ होती हैं, हम तो इसको सिंधी में कोड़ी कोड़ी कहते हैं, कोड़ी। बहरहाल ये मुख्तलिफ अपना समंदरी मखलूकात वो अपनी मुदत पूरी करके अब इस शिकल में है। ये देखें, ये देखने में तो आपको पत्थर नज़र आ रहे होंगे, मगर ये पत्थर नहीं है, ये अपना समंदरी मखलूकात है। ये देखें ना, ये पत्थर बिल्कुल भी नहीं है। इनकी पूरी तफसीलात यहाँ लिखी हुई है। अब ये देखें, ये वो पत्थर हैं जिसमें ये इनके घर होते हैं, इसके जो समंदर की तह में इस तरह के, यहाँ पे वो अंडे वगैरह देते होंगे मछलियाँ। अब वहाँ से निकले, यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे ये बताते हैं कि इस तरह पुराने ज़माने में ये लोग सोना तलाश करते थे।
ये देखें दरिया के किनारे पे इस तरह पुराने ज़माने में ये लोग जो हैं सोना तलाश करते थे। ज़बरदस्त देखें ना, ये देखें फैक्ट्री का मुकम्मल इन लोगों ने बना रखा है एक मॉडल। और ये इनके घर उनके भी बना रखे हैं इन लोगों ने मॉडल। और यहाँ पे इस तरफ खिला से किस तरह धरती नजर आती है, ज़बरदस्त। बहुत सारी मालूमात है यहाँ पे माशाल्लाह। ये देखें इनकी खेती बाड़ी, इस तरह ये लोग खेती बाड़ी करते हैं, जंगल में पौधे वगैरह लगाते हैं, दरख्त लगाते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि ज़रा वीडियो को शॉर्ट करूं, नहीं तो लंबी हो जाएगी। ये एक सुरंग है, उसमें इस तरह लेबर काम करते हैं। फिलिपाइन का इन लोगों ने नक्शा बनाया है। यहां पे 7641 जज़ायर पे ये है मुल्क, मतलब इस फिलिपाइन पूरे मुल्क में 7641 जज़ायर हैं। छोटे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। ये देखिए छोटे जज़ायर, छोटे जज़ीरे और बड़े जज़ीरे भी हैं। बाकी ये जो इलाका है ये देखें, ये हो गया समंदर हो गया, ठीक है ना। बाकी कोई भी टुकड़ा किसी से मिला हुआ नहीं है, कोई भी टुकड़ा किसी से मिला हुआ नहीं है। ये सारे के सारे जज़ायर हैं, इतने सारे जज़ीरे। मनीला वहाँ पर है जहाँ पर हम हैं, उस जगह पे ज़बरदस्त हो गया। चलते हैं मज़ीद आगे। इस फ्लोर पे फिलिपाइन के पहाड़ों के हवाले से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह के दरख्त होते हैं, पहाड़ों में सांप वगैरह होते हैं, मतलब ये देखें पौधे होते हैं किस तरह के। बाकी रही बात, मैं गया था कुछ साल पहले अपना वियतनाम, तो वहाँ के गारों में इस तरह ये देखे पहाड़ों के गारों में अंदर वो इस तरह के बने होते हैं। काफ़ी जगहों पे मैं गया हूँ मुख्तलिफ ममालिक में, तो यहाँ पे भी ये लोग दिखा रहे हैं कि फिलिपाइन में भी इस तरह के गार वगैरह है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें से पानी टपकता है, ये तो नकली हैं, अगर असली होते तो इसमें से पानी टपकता। तो इस तरह के नज़ारे भी दुनिया में मैंने काफ़ी देखे हैं मुख्तलिफ ममालिकों में, ये पहाड़ों के अंदर इस तरह गार बने होते हैं। एक तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, हो सकता है कि वियतनाम में हो, कहाँ पे 7 किलोमीटर तक के फासले पे था, 7 किलोमीटर गार। और किसी ज़माने में कहते थे कि वहाँ पर फौजें वगैरह भी वो रहती थी छुप के जगहों के हवाले से। तो चलते हैं अभी नीचे। इस फ्लोर पे म्यूज़ियम वाले ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के मुकामी चरंदे परिंदे, ये देखें चरंदे परिंदे और मुख्तलिफ। दोस्तों अगर मैं एक एक फ्लोर घूमूंगा ना तो ये 2 घंटे की हो जाएगी वीडियो। मेरी कोशिश है कि मैं ज़रा इनको शार्ट करता जाऊं। तो चलते हैं इन चरंदों परिंदों से निकल के किसी और फ्लोर पे। इस फ्लोर पे समंदर के तह में रहने वाली कुदरती मखलूकात
के हवाले से बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही बड़ी इनकी साइज़ भी लिखी हुई है, और ये देखें शीशों में बंद मुख्तलिफ अकसाम की अल्लाह की मखलूक। ये देखें, और यहाँ पे एक ये आबदोज टाइप है, ये देखें सामने आबदोज है, इसमें बैठ के वो जो समंदर के तह में जाते हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस स्क्रीन में देखोगे ना तो आपको यूं महसूस होगा इस स्क्रीन में कि आप भी समंदर के तह में हो। ये देखो, यहाँ पे आके यूं महसूस होता है कि हम भी इसी आबदोज में हैं और समंदर के तह में है। अगर यहाँ पे जिस तरह ये मोटू और पतलू देख रहे हैं, ये देखें ना, तो बिल्कुल उसी तरह आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप भी समंदर के अपना तय में हो, आबदोज में हो। अब यहाँ से निकलने की तैयारी किसी और फ्लोर पे। ये देखें ना, माशाल्लाह, ये देखें ये सारी की सारी समंदर की मखलूकात। यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलिपाइन के जंगलात में किस तरह ये जानवर वगैरह या परिंदे रहते हैं और किस तरह ये अपना अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं, इनकी किस तरह वो इनके रहन सहन होता है परिंदों का। ये देखें, इनके घोंसले बने हुए हैं, ये देखें ना इस तरफ। ये देखें ज़बरदस्त, चारों तरफ में पानी, एक छोटा सा टुकड़ा है नीचे। बहरहाल इसी तरह दिखा रहे हैं कि समंदर की तह में कैसे रहते हैं, जंगलों में कैसे रहते हैं। ज़बरदस्त, समंदर के किनारे पे कैसे रहते हैं। चलते हैं मुझे आगे। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे गुजारे। बहरहाल बहुत ही मज़ा आया। ये इतना बड़ा है नेशनल म्यूज़ियम मनीला फिलिपाइन का कि मैं तकरीबन आधा घूम सका, आधा रह गया। बहरहाल बहुत ही शानदार इंतज़ाम है, हर एक फ्लोर पे वाशरूम है, ज़बरदस्त वाशरूम बने हुए, बैठने की जगह बनी हुई है ऊपर, और पूरा एयर कंडीशन माहौल है। और अल्लाह आपका भला करे, इसकी कोई टिकट नहीं है, फ्री है। ये देखें ना, अगर इस तरह के म्यूज़ियम किसी और मुल्क में होते तो शायद वो फ्री नहीं होते। अब निकलते हैं बाहर। ये मैंने अपना सामान जमा किया हुआ है अपना बाहर, वो उठाएंगे। थोड़ा सा सामान है, हल्का सा बैग है वो रखता हूँ, उसमें पानी शानी है वो, तो वो उठाएँगे और उसके बाद चलेंगे कहीं और अगली मंजिल पे। बहरहाल ये ज़बरदस्त मज़ा आ गया, चलते हैं आगे अगली मंजिल। अब ये बाहर के मनाजर, आपने अंदर तो रश चेक की, अब ये लोग जाने वाले हैं, जो अंदर जा रहे हैं नए वाले लोग, वो देखें किस तरह जा रहे हैं। बहरहाल अब निकलते हैं बाहर, वीडियो हो जाएगी लंबी। दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगली मंजिल भी है एक टारगेट,
तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। बस ये देखें ज़रा बाहर के माहौल आप देखें, ये इस तरह खाने पीने की चीज़ें बाहर मिलती हैं। और आपने देखा कि मैं किस तरह लोकल रक्शे पे आया था, बड़ा ही मज़ा आया। ये इस तरह के रक्शे होते हैं यहाँ पे तकरीबन मिलते हैं। तो दोस्तों दुआओं में याद, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।